वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर उन लोगों की फरमाइश पर मैं वीडियो बना रहा हूँ जो ये शिकायत करते हैं कि हमारा वीर्य पतला हो चुका है, टाइमिंग हमारी आ नहीं पाती। कंडीशन ये है कि पार्टनर को हाथ लगाते हैं, वीर्य निकल जाता है, कहते हैं सिकुड़न, ढीलापन, टेढ़ापन हमारे पेनिस के अंदर आ चुका है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। एक बार कर लेते हैं तो दोबारा दिल नहीं कर पाता। हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन संभोग के लिए दिल मायल नहीं हो पाता। तो यकीन मानिए, ये नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूँ बड़ा कीमती नुस्खा है, ज़्यादा पैसों का भी नहीं है, लेकिन आपने ख़ुद अपने हाथ से इसको तैयार करना है। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। जिसने इस नुस्खे को यूज़ किया है इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, और ख़ास करके ये शादीशुदा हजरात के लिए हैं। कुंवारे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन शादीशुदा इसको ज़्यादा करें, और जाड़े के मौसम में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए नुस्खा आपको मैं जिक्र बाद में करूँगा, थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ कि चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए सबसे पहले चीज़ जो आपको लेना है वो बादाम लेना है, मगज़े बादाम आप ले लीजिएगा 12 ग्राम। उसके बाद में आप ले लीजिएगा काजू, ये भी आप 12 ग्राम ले लें। उसके बाद में आपने लेना है खजूर, ये सूखी आप खजूर ले लें, ये भी आप 12-13 ग्राम ले लीजिएगा। इन तीन चीज़ों को लेने के बाद आपस में कूट पीस करके इनका सफ़ूफ पाउडर तैयार कर लेना है। जब इसका पाउडर तैयार हो जाए तो आपने इसको सेव कर लेना है किसी डब्बा वगैरह में। अब आपने रोज़ इसको खाना है एक गिलास गुनगुने दूध के साथ, बकरी के या फिर गाय के गुनगुने दूध के साथ। आपने रात में सोने से पहले यानी खाना खाने के बाद सोने से पहले आपने 2 चम्मच लेना है भर के, और उसके ऊपर से आपने एक गिलास गुनगुना दूध पी जाना है। ये जो नुस्खा आपको करना है ये लगातार मुसलसल आप इसको 2 महीने तक करते रहें, यानी जाड़ो जाड़ो इसको यूज़ आप करते रहें। और इसके अंदर आप परहेज़ ये करें कि आप तली भुनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। खट्टी चीज़ अगर आप खाते हो तो खट्टी चीज़ से जहाँ तक हो सके आप परहेज़ करने की कोशिश करें, और सबसे अहम परहेज़ ये है कि आप हस्तमैथुन बिल्कुल नहीं करें। इस नुस्खे को आप यूज़ करते जाएं और ये सारी चीज़ें आप बचते जाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूँ मानिए कि आपने अगर काफ़ी दवाएँ भी खाई होंगी तो दवाओं का इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिला होगा जितना ये घर बैठे आपको रिज़ल्ट इसका मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर खाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पेनिस छोटा है, उसके अंदर ढीलापन, टेढ़ापन, सिकुड़न है, पेनिस को बड़ा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो उसका गारंटी का इलाज हमारे पास मौजूद है। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है, आप फ़ोन करने के बाद पेनिस को बड़ा करने की दवा ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।